निस्संदेह पंचरात्र शास्त्र द्वारा भगवान के विज्ञान आदि षडंग विध गुणों का संकर्षण आदि में भाव होना सूचित किया गया है। इस मान्यता के अनुसार उसका भगवत स्वरूप होना सिद्ध होता है, इसलिए उसकी उत्पत्ति का वेद में निषेध नहीं है। पूर्व पक्ष में जो कहा है कि व्याख्या पूर्व पक्ष में जो कहा है कि श्रुति में जीवात्मा की उत्पत्ति का विरोध है तथा कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसमें उत्तर में सिद्धांत पक्ष का कहना है कि उक्त पांच शास्त्र में जीव की उत्पत्ति या कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं बताई गई है, अभी तो संघर्षण जीव तत्व के प्रद्युम्न मनस्तव के और अनिरुद्ध अहंकार तत्व के अधिष्ठाता बताए गए हैं, जो भगवान वासुदेव के ही अंगभूत हैं, क्योंकि वहाँ संघर्षण को भगवान का प्राण, प्रद्युम्न को मन और अनिरुद्ध को अहंकार माना गया है। अतः यहाँ वहाँ जो इनकी उत्पत्ति का वर्णन है वह भगवान के ही अंशों का उन उन रूपों में प्रागट्य बताने वाला है। श्रुति में भी भगवान के अजन्मा होते हुए भी विविध रूपों में प्रकट होने का वर्णन इस प्रकार मिलता है, इसलिए भगवान वासुदेव का संकर्षण आदि व्यूह के रूप में प्रकट होना वेद विरुद्ध नहीं है। जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर दया करके श्री राम आदि के रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भगवान वासुदेव अपने भक्तों पर कृपा करके स्वेच्छा से ही चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट होते हैं। भागवत शास्त्र में इन चारों की उपासना भगवान वासुदेव की उपासना मानी गई है। भगवान वासुदेव विभिन्न अधिकारियों के लिए विभिन्न रूपों में उपास्य होते हैं, इसलिए उसके चारों व्यूह माने गए हैं। इन व्यूहों की पूजा उपासना से परब्रह्म परमात्मा का ही प्राप्ति मानी गई है। उन संकर्षण आदि का जन्म साधारण जीव की भांति नहीं है, क्योंकि वे चारों ही चेतन तथा ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज आदि समस्त भगवत भावों से संपन्न माने गए हैं। अतः संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये तीनों उन परब्रह्म परमेश्वर भगवान वासुदेव से भिन्न तत्व नहीं है, अतः उसकी उत्पत्ति का वर्णन वेद विरुद्ध नहीं है। संबंध ये पंच रात्र आगम वेदानुकूल है, किसी अंश में भी इसका वेद से विरोध नहीं है, इस बात को पुनः दृढ़ करते हैं। इस शास्त्र में विशेष रूप से जीव की उत्पत्ति का निषेध किया गया है, इसलिए भी ये वेद के प्रतिकूल नहीं है। व्याख्या, उक्त शास्त्र में जीव की अनादि नित्य चेतन और अविनाशी माना गया है तथा उसके जन्म मरण का निषेध किया गया है, इसलिए भी यह सिद्ध होता है कि इसका वैदिक प्रक्रिया से कोई विरोध नहीं है। इसमें जो ये कहा गया कि सांडिल्य मुनि ने अंगों सहित चारों वेदों में निष्ठा निश्चल स्थिति को न पाकर इस भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया, ये वेदों की निंदा या प्रतिषेध नहीं है, जिससे कि इसे वेद विरोधी शास्त्र कहा जा सके। इस प्रसंग द्वारा भक्ति शास्त्र की महिमा का ही प्रतिपादन किया गया है। छांदोग्योपनिषद में मैं नारद के विषय में भी ऐसा ही प्रसंग आया है। नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा है कि मैंने समस्त वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण आदि पढ़ लिए तो भी मुझे आत्मतत्व का अनुभव नहीं हुआ। ये कथन जैसे वेदादि शास्त्रों को तुच्छ बताने के लिए नहीं, आत्मज्ञान की महत्ता सूचित करने के लिए है, उसी प्रकार पंचरात्र में सांडिल्य का प्रसंग भी वेदों की तुच्छता बताने के लिए नहीं, अभी तो भक्ति शास्त्र की महिमा प्रकट करने के लिए आया है। अतः वह शास्त्र सर्वथा निर्दोष एवं वेदानुकूल है। दूसरा पाठ संपूर्ण।